नया ये है भाभी जी कि हम जो भी ख्वाब देख रहे हैं वो कमबख्त सच हो जा रहे हैं। आपके ख्वाब सच हो जाते हैं? हमने सपना देखा कि कमिश्नर साहब ने आपको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। अप्पू सिंह, तुमने हमें इतने पुराने बासी और घटिया लड्डू खिलाए हैं, हम तुम्हें एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करते हैं। तिवारी जी की नींद के लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, यही कि आज से तिवारी जी के साथ अंगूरी जी नहीं सोएंगी बल्कि विभू आपके साथ हम बिस्तर होगा। तिवारी जी, जिसका डर था ना वही हुआ अनीता जी। Oh God is sleeping. तिवारी जी, come out. वो लड्डू के भैया जाकर अंदर सो गए होंगे, अब पता नहीं कौन सा भयानक सपना देखेंगे। तिवारी जी बाहर आइए, तिवारी जी बाहर आइए। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, सच में पता नहीं कौन सा मनहूस सपना देख लेंगे। भगवान भगवान प्लीज, जो भी सपना हो प्लीज मुझसे रिलेटेड ना हो, मुझसे रिलेटेड ना हो। अरे तिवारी जी बाहर आइए, तिवारी जी यहाँ आइए, इधर आइए, बाहर आइए। जी जी भाभी जी। तिवारी जी, जब आपको पता है कि आप नींद के कच्चे हैं तो आप क्यों गए थे बाथरूम में? अब क्या बताएं भाभी जी, वो दरअसल काले चने खा लिए थे तो थोड़ा। देखिए लड्डू की भैया, हम आपको मना किए थे मना कि चने ना ही खाइए, पर आप हमरी ना ही सुने। अरे चने को गोली। तिवारी जी ये बताइए कि आप कहीं बाथरूम में जाके सो तो नहीं गए थे? इस बार हम सो भी गए थे और सपना भी देख गए। कहा सपना देखे, कहा देखे? क्या बताएं पगली, वो बहुत ही भयानक सपना देख लिए। ओह गॉड, क्या भयानक सपना देख लिया अब आपने? वो हमने देखा कि वो अंगूरी जो है वो भभूति जी का चुंबन लेने जा रही है। तिवारी जी, ये क्या देख लिया आपने? ये क्या देख लिया आपने? हाय प्रभु, अब हम क्या करेंगे? चलो चलो, तुम इसी कमरे में रहो। स्टॉप टीवी में लगा चाइल्ड यार, ये क्या बात हुई है? क्या कर रही हो तुम ये? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, तुम यही रहोगे जब तक मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस से वापस नहीं आ जाती। यार ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर तिवारी जी ने ख्वाब देख लिया है कि भाभी जी मुझे किस करने वाली हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि वो ख्वाब सच ही हो जाए। तिवारी जी ने अभी तक जितने सपने देखे वो अगर सच हो सकते हैं तो ये सपना भी तो सच हो सकता है। आई नो भाभी जी, भाभी जी बहुत ही संस्कारशील, बहुत ही अच्छी लेडी है। आई नो कैरेक्टर। मैं भी बहुत संस्कारशील लेडी हूँ और मैं तिवारी जी की गोद में जाकर बैठ गई। तुम जान के नहीं बैठी थी? आई नो, वो तो तुम वो चूहे की वजह से बैठी थी। आई नो इट। नहीं ना विभू, हो सकता है अंगूरी जी के साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो तुम्हें किस करते हैं। उसी का तो इंतजार है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे इस बात से इनकार है, आई रिफ्यूज टू बिलीव दिस। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कभी कभी लाइफ में ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो इंसान अपने कैरेक्टर के खिलाफ काम करता है। मेरे पास आइडिया है, मैं भाभी जी से मिलूंगा ही नहीं, मैं जाके बैठ जाता हूँ प्रेम चौधरी के पास। ओके जी, नहीं आप यहीं बैठेंगे और मैं इस कमरे को बाहर से ताला लगा के जाऊंगी। मैं कोई जानवर हूँ जो तुम लॉक करके जा रही हो कमरा? दिस इज नॉट फेयर। मैं देखो अनु, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऑलराइट, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फाइन जी, नहीं नो। मैं तुम्हारी रख रख से वाकिफ हूँ, जैसे ही मैं घर से बाहर जाऊंगी ना आपके पर निकल आएंगे और फिर आप यहाँ वहां उड़ेंगे। पर तो बहुत पहले काट चुके हो। क्या? मेरे का पर नहीं निकलेंगे बेबी, पर नहीं निकलेंगे यार, मैं नहीं उड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, बस। नो no. मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी और आप यहीं रहेंगे इसी कमरे में। अनु तुम गलत कर रही हो, अनु तुम देखो बहुत गलत कर रही हो, अनु तुम गलत कर रही हो, अनु दिस इज नॉट फेयर। डोंट, व्हाट डिड यू से? रीड माय लिप्स। आई कांट फॉलो यू। आई गॉट इट, यू सेड आई डोंट केयर, आई नो दैट। This is not fair. कभी कभी मैं सोचता हूँ मैंने शादी क्यों की, क्यों की, क्यों की, क्यों की?
क्योंकि मैं उल्लू का यार, उल्लू मेरे मेरी प्यार की दुश्मन है। देखिए मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा है, मैं भी ऐसे आराम से बैठूंगा नहीं। भैया मैं क्या ढूंढ रहा हूं? अरे भाई साहब, वो मेरा सांप कहीं बिला गया है, मिल ही नहीं रहा। अबे तूने सांप का जहर तो निकाल दिया था ना बे। अरे वही तो प्रॉब्लम हो गया ना भाई साहब, उसका जहर नहीं निकाला। हम वक्त किसी को काट वाट लेगा तो मुझे खामखा उसका जहर निकालना पड़ेगा। ये लो, बहुत बड़ी चिरान हो तुम। स्मार्ट बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गर्म कर लेना चाहिए। गर्जा। हमरा मन डोले, हमरे दिल का गया करार बा, कौन बजाए बांसुरिया। बाबूजी, अभी जी बांसुरी बज गई है। अरे क्या हुआ? अभी जी मुझे, आप इतने घबराए काहे लग रहे हैं? अभी जी मुझे सांप ने काट लिया। अभी जी आप कह रही थी कि आपको सांप का जहर चूसना आता है। हाँ, वो कहा है ना कि हम 4-5 लोगों को ठीक किए थे अपने गांव में उनकी बाड़ी से जहर चूस कर। अभी जी देख क्या रही हैं, अपनी गुलाब की पंखुड़ी हमारे गाल पे धर दीजिए और हमें तर दीजिए। अभी जी कमान, मेरा जहर चूसे, मुझे चक्कर आ रहा है भाभी जी। रुकी रुकी, हिली ना ही। नहीं ठीक बा, हम आपका जहर चूस कर निकाल देते हैं। यार बनवारी की लोंजा पटाई में नहीं आ रही। भाभी जी कहा है ना कि भरभूति जी के गाल पे एक तो सांप काट लिए हैं, उनका जहर चूसने जा रहे थे। भाभी जी हम कहा मर गए, जो हमारे होते हुए आप जहर चूसोगी? अब सांप को जहर तो हमें भी चूसना आता है। हाँ ठीक बा, आप लोग ही चूस लो। एक्चुअली भैया जी रुक जाओ, गाल थोड़ा दर को कर लो। एक्चुअली एक्चुअली निकालने दीजिए जहर। हेलो हिला गया तू फेस उठा के, दम लेगा क्या मेरी जान खा के? खून चूसने तू आया, खून चूसने बड़ी खूनी मंडे क्यों आया? खून चूस रुक गया, सारा खून चूस लोगों का, तेरे मुंह को भी चूस ले। हट जा, हट जा, आजा ब्लैक कोबरा तू भी चूस ले। ला भैया लाओ। मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। ऐसे कैसे हो सकता है भैया, लाओ 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 दो। क्या हुआ? क्या हुआ? कहा है ना सक्सेना जी, भरभूति जी के गाल पे एक तो सांप काट गया तो ये सब लोग जहर चूस रहे हैं। I like it. एक तो विभूति भैया का इतना जबरदस्त जहरीला खून, ऊपर से सांप का जहर भी उसमें शामिल। ये तो वही बात होगी कि नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले हैं। वाह वाह, इसी क्वालिटी के जहर की तलाश थी मुझे बरसों से। अरे हटो यार, हटो हटो हटो, मैं चूसूंगा।
अरे जो ठहर जाओ ठहर जाओ। अरे जो का खोले आम ससुर चूमा चाटी चल रही है मोहल्ला में। नहीं नहीं दारोगा जी, चूमा चाटी ना ही चल रहा है। वो का है बेचारे बरबूती जी के गाल पे ना एक तो सांप काट गए हैं, तो सारे मोहल्ले के लोग जहर चूस रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जब बात है कि भाभी हम आपको क्या बताएं, हमारे तो जो पुरखा आते सब सपेरा आते, डॉक्टर ने जब बीन बजाई थी तब जाकर तो हम पैदा भाई। हम भैया विभूति को कुछ ना होने देंगे, इनको पूरी जड़ से जहर निकाल देंगे हम, देखो आप। हट सकते हैं ना? अरे अरे हट, अरे अरे हट। Like it. अरे यार खूंखार आदमी, तू 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 जहर चूस रहा हो कि खून चूस रहा हो? आदमी मर जाएगा। हट एक तरफ, लाइन लगाओ, हम पहले चूसेंगे। आजा महाराज। अरे दादा एकमात्र नल्ला हो यार, तुम्हें हम कछु ना होने देंगे। हाथ उठा दू तुम। हम बरबूती जी के गाल पे सांप काट लिए हैं, तो ये सब लोग मोहल्ले के लोग लाइन लगाकर उनका जहर चूस रहे हैं। ओहो। अब समझ में आया। कहाँ? अरे बबूती जी, अरे बबूती जी सुनिए, वो जो हम ख्वाब देखे थे ना कि अंगूरी आपका चुमन लेने आगे बढ़ रही है, अब समझ में आया कि वो चुम्बन लेने नहीं, दरअसल जहर चूसने आगे बढ़ रही थी। आपका ख्वाब झूठा था, पूरा शहर मेरा गाल चूस गया। भाभी जी, नहीं नहीं देखो, ख्वाब तो हम वही देखे थे कि अंगूरी आगे बढ़ रही है चुम्बन लेने के लिए, लेकिन आपने बीच में हमें जगा दिया, तो अब हम देख ही नहीं पाए कि आगे क्या हुआ। अब समझ में आया कि तो ससुर ये हुआ। भाभी जी चलता हूं। अरे ऐसे कैसे चलता हूं यार, तुम्हारी आज चाहे कुछ भी हो जाए तिवारी जी, आपको सोने नहीं देना है। भाभी जी आप हमारे सामने हैं तो कौन कमबख्त भला सोना चाहेगा जी? मतलब आप हमारे घर पर आई और हम सो जाएं, ये हो नहीं सकता। अच्छा चलिए अच्छी बात है, लेकिन भाई इस बार कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम में से कोई भी नहीं सोएगा आज। हाँ। भाभी जी सामने बैठी हैं तो कौन कमबख्त सोना चाहे? क्या बोले? भाभी जी आप जरा चाय पिलाइए, एक कड़क अपने आप नहीं दूर जाएगी हमारी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट अंगूरी जी, विभू बेचारी दो बार चाय बना चुकी हैं, तुम्हें पीनी है तुम खुद जाके बनाओ। आ तो क्या हुआ, फिर से ले आते हैं ना? अंगूरी जी एक्चुअली आप चाय छोड़ ही दीजिए, हमें चाय कॉफी और कहवे जैसी चीज पर डिपेंड भी नहीं करना चाहिए। अकामत पर? मतलब यही कि हमें अपनी नींद पर खुद कंट्रोल होना चाहिए। इन्हें बड़ा कंट्रोल अपनी नींद पे, रात को किताब पढ़ते पढ़ते किताब पे सो जाती हैं, लैपटॉप खोला उस पे काम करते करते उस पे सो जाती हैं। वो तो मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ, मैं बुक इसीलिए खोलती हूँ और लैपटॉप पे इसलिए काम करती हूँ क्योंकि ऐसा करने से नींद जल्दी आ जाती है। लेकिन हमारा नींद तो बहुत ही कच्चा है, हम तो बिस्तर पर पढ़ते ही स्लीप आ जाते हैं। भाभी जी इट्स स्लीप। सही पकड़े हैं। और ये लड्डू के भैया है ना, बाप रे बाप, ये तो हमसे भी ज्यादा कच्चे हैं। ये तो जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। इन्होंने तो कमोड भी नहीं छोड़ा। लेकिन भाई इस बार मानना पड़ेगा तिवारी जी को। हाँ आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, पलक भी नहीं झपकाई उन्होंने। हाँ। इस आदमी की आंखें तो खुली हुई हैं लेकिन चोंच बंद है। तो तिवारी जी आप इतने खामोश क्यों हैं, बोलिए ना कुछ। भैया ये लड्डू के भैया का आंख तो खुला है, फिर बात काहे नहीं कर रहे हैं? सुनिए
तिवारी जी तो खर्राटे ले रहे हैं। क्या आंखें खोलकर भी सो सकते हैं का? ये सोते हैं, देखिए सो रहे हैं, ये देखिए। उठिए। ओ गॉड, जगाओ भाई इन्हें, जगाओ, कहीं कोई ऐसा वैसा ख्वाब ना देख लें। तिवारी जी। तिवारी जी क्या करते हैं आप, आंखें खुली रखकर सो गए? भाई जी कब आंख लग गई कुछ पता ही नहीं चला। वो सब छोड़िए, फिर से आपने कोई बेढंगा ख्वाब तो नहीं देख लिया? क्या बताएं भाभी जी, इस बार हमने एक साथ दो ख्वाब देख लिए। पहला ख्वाब तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दूसरा ख्वाब, इससे तो अनर्थ हो जाएगा। अब कहाँ देखे बताइए ना। भगवान तिवारी जी, कहीं आपने फिर से कोई ऐसा वैसा ख्वाब तो नहीं देख लिया? कहीं आपने फिर से मुझे सड़क पर तो नहीं नचवा दिया? नहीं, नचवाया ही तो नहीं। कैसे बताएं भाभी जी, किस मुंह से बताएं? इसी मुंह से बताइए, और फैलिए मत। चलिए बोलिए भाभी जी। पहला ख्वाब तो हमने ये देखा कि इन्होंने हमारे मुंह पे चांटा मारा, और दूसरा ख्वाब हमने ये देखा कि आप वो छेदी कपड़े धोने वाले के साथ भगली। What? मैं छेदी कपड़े धोने वाले के साथ भाग गई? Can you imagine? छेदी कपड़े वाले का क्या स्टैंडर्ड है, मैं उसके साथ भाग गई? अच्छा, अगर उसका स्टैंडर्ड होता तो भाग जाती? अब हमें डर है कि कहीं ये दोनों ख्वाब सच ना हो जाएं। तिवारी जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। पहला ख्वाब आपका सच हो गया, और दूसरा मैं आपका होने नहीं दूंगा। मेरी बीवी धोबी के साथ नहीं भागेगी, उसका स्टैंडर्ड है। अरे सो गए, जगाइए इनको। गुड लुकिंग, आर यू कंसिडरिंग हिम और व्हाट? घड़े मार रहे हैं। हाँ? अब भगवती जी, अब हार्ट हैप्पी एंड। अभी दिस व्हाट हैपेंड? ऐसे पकड़े हैं, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? अभी जी जिसका डर था वो ही हो। अन्नू छेदी के साथ भागे भाभी जी। अरे का किया अनीता जी ने, का किया? ये कैसा अनर्थ हो गया? भाभी जी की पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है, कैसे? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने देखा था वो भाईयात ख्वाब, आपने भगाया अन्नू को। काश हम भाभी जी को भगा ले जाते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भरभूती जी। भाभी जी कैसे शांत हो जाओ, भाभी जी कैसे शांत हो जाओ। अनु ने आखिर क्या देख लिया उस गली छेदी में, क्या देख लिया? तो हम भी सोच रहे हैं कि अनीता जी ऐसा क्या देख ली। उस साले की शक्ल एकदम गधे की तरह है। उससे अच्छी शक्ल तो हमारी है।
चुपके रात में आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन। दोपहर की धूप में मुझसे झगड़ने के लिए वो तेरा आंगन में नंगे पांव आना याद है। तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? तुम छेदी के साथ भाग गई? वो साला मुझसे ज्यादा हैंडसम है। आश, अगर मैं कुछ काम धाम कर रहा होता और लल्ला ना होता तो शायद मुझे छेदी देखने ना पड़ते। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना